भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर माघी पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान का खासा महत्व है। यही वजह है कि नेपाल, यूपी, झारखंड, उत्तर बिहार, दक्षिणी बिहार के श्रद्धालु भारी संख्या में गंगा स्नान करने सुल्तानगंज पहुँचते हैं। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के पांव पैदल देवघर भी रवाना होते हैं। साथ ही सैकड़ों बच्चों का गंगा घाट पर मुंडन संस्कार भी करते हैं। वहीं महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि माघी पूर्णिमा के गंगा स्नान करने व दान पुण्य करते हैं शिव भक्त आज के दिन शुभ माना जाता है। आज के दिन से विवाह कार्यक्रम होना शुरू हो जाता है। यह परंपरा सदियों से होता आ रहा है, इसलिए शिव भक्त उत्तरवाहिनी गंगा स्नान कर अपने शुभ कार्य में लग जाते हैं। साथ ही कांवरिया गंगा स्नान कर लाखों की संख्या पैदल देवघर रवाना हुए। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह गंगा घाट से कांवरिया पथ तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे बाहर से आने वाले शिव भक्तों को कोई परेशानी न करना पड़े। संजीव कुमार के साथ संतोष राज की रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन अमृत का वर्षा हुआ था, तो इसके लेकर के सदियों से जो माघी पूर्णिमा का बड़ा महत्व मानते लोग और छोटे से छोटे गरीब से लेकर के अमीर तक सभी लोग गंगा में स्नान दान पुण्य करते हैं और इसका बड़ा महत्व है और इसलिए सदियों से चला आ रहा है और आज भी यहाँ जगन्नाथ में अच्छी भीड़ भाड़ है और प्रशासनिक व्यवस्था भी है और समाज का भी पंडा पुजारी लोग ठीक ठाक से चल रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और माघी पूर्णिमा का आज से नहीं आदि अनंत से चला आ रहा है और आज का दिन अमृत लोग कहते हैं, ऋषि मुनि लोग अमृत का वर्षा हुआ था इसलिए माघी पूर्णिमा हुआ, पीछे अमावस्या गई है, आज के दिन से शुभ दिन हो जाता है, तमाम शादी विवाह वगैरह सब चलता है और बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube and never miss another update.